हेलो एवरीबडी, वेलकम वेलकम बैक टू श्वेताज वर्ल्ड। एंड लेके आपने ऑलमोस्ट सारी वीडियोस अगर मेरी देख ली है, सो लास्ट एपिसोड में दिखाने जा रही हूँ। सो लास्ट एपिसोड में आपको कंप्लीट ले मार्केट दिखाने वाली हूँ। सो ले मार्केट आप लास्ट दिन घूमिए एंड आपको बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज ले मार्केट में आपको सब कुछ अवेलेबल है। थोड़ा सा कॉस्टली है अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं एंड आपने दिल्ली में सामान खरीदा है, जंग ज्वेलरीज एवरीथिंग, तो आई एम श्योर आपको थोड़ा सा कॉस्टली लगेगा। बट आप पर्ल्स वगैरह ले सकते हैं, आप स्टोन्स वगैरह की शॉपिंग यहाँ पे कर सकते हैं, आप साड़ी वगैरह ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप बार्गेन करिए, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ फिक्स शॉप, गो अहेड एंड बार्गेन करिए। और वहाँ पे एक नई चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ लेडीज़ जो होती है ना, वो नीचे बैठ के ऑलमोस्ट चीज़ें बना रही होती हैं, तो आप वहाँ से भी चीज़ें खरीद सकते हैं। उनके रेट ज़्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू शॉप्स रेट, बट काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। और एंड तक वीडियो देखिएगा, बिकॉज एक अच्छा सरप्राइज है। और अगर वीडियो पसंद आएगी सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वहाँ पे आप चले जाइए, ऑलमोस्ट मैं कहूँगी 6:30 आप चले जाइए एंड उसके बाद आप फुल नाइट वहाँ पे इंजॉय करिए। मार्केट आपकी 11:30 तक ओपन रहती है, सारी शॉप्स ओपन 11:30 तक नहीं रहती हैं, बट मार्केट आपकी ऑलमोस्ट 11:30 तक ओपन रहती है। तो आप वहाँ पे ऑलमोस्ट जाके बैठ के वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, मोमोज, चाय, ईच एंड एवरी थिंग। मतलब आप बाहर बैठ के हर एक चीज़ इंजॉय कर सकते हो, ठंड में आइसक्रीम इंजॉय कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे आपको वहाँ रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे एंड वहाँ रेस्टोरेंट्स में, एक रेस्टोरेंट में आपको लाइव म्यूज़िक भी मिल जाएगा, तो आपको ऑलमोस्ट वहाँ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मार्केट में आपको ऑलमोस्ट पैदल ही घूमना है एंड गाड़ियों से घूमने का ऑप्शन नहीं है, तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आपको ज़्यादा गाड़ियों का हॉर्न वगैरह नहीं सुनाई देने वाला। बाकी आपको शूज़ वगैरह वहाँ पे मिल जाएंगे, मेंस क्लोथिंग, लेडीज़, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो, सब कुछ है। बट जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा कॉस्टली है, तो आप बार्गेन फुल लॉन करिएगा। चीज़ें आपको वहाँ अच्छी लगेंगी। स्टोन ज्वेलरी आप अगर नहीं लेते हैं तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो गो हेड फॉर द स्टोन ज्वेलरी। बाकी आप लेके बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी वहाँ पर आपको मिल जाती हैं, साउंड सिस्टम, ईच एंड एवरी थिंग इज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और एक मुझे ऐसा लगा कि मुझे ले मार्केट थोड़ा, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा कॉस्टली है, बट हाँ थोड़ा बहुत सामान आप ले सकते हैं। बाकी आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। विंटर्स से रिलेटेड आपको सबसे ज़्यादा सामान वहाँ पे मिलेगा, विंटर्स की साड़ियाँ, विंटर्स की ईच एंड एवरी थिंग रिलेटेड टू विंटर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मेडिकल शॉप्स मिल जाएंगी, बहुत अच्छी अच्छी क्राफ्ट्स की दुकानें होंगी जहाँ पे जाके आप ज्वेलरी देख सकते हैं। जंग ज्वेलरीज की बहुत अच्छी कलेक्शंस हैं, तो वो आप डेफिनेटली देखिएगा। ऑर्गेनिक लद्दाख का सामान भी वहाँ पे मिल जाएगा, फॉर योर फेस, फॉर योर मॉइस्चराइजर, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगा। रोड पे छोटी छोटी दुकानें होती हैं जो कि मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी लगी रेट के हिसाब से। ऑलमोस्ट छोटी चीज़ें खरीदो तो 50 रुपीज़, उससे बड़ी खरीदो तो 100 रुपीज़, इस तरीके से छोटे छोटा करके आपको सामान दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए यही चीज़ है, बिकॉज यही एक तरीका है उनका अपना घर चलाने का, तो उनके हिसाब से रेट इज़ ऑलमोस्ट फाइन। बहुत भीड़ होती है, बहुत मज़ा आता है ऑलमोस्ट घूमते घूमते, एक एक शॉप पर आप घूमते घूमते आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। आपको तिब्बतन मार्केट मिल जाएगी, तिब्बतन मार्केट बहुत बड़ी है, और ऐसा नहीं है कि एक जगह है, तो 2-3 जगह आपको तिब्बतन मार्केट मिलेगी, तो आप ऑलमोस्ट 3-4 जगह जाके घूम सकते हैं। बाकी आपको वहाँ पे लाफिंग बुद्धा मिल जाएगा, ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे ब्यूटीफुल 50-100 रुपीज़ की रेंज में, तो ऐसी चीज़ें हैं, बैग्स हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और ब्यूटीफुल हैं, वैसी चीज़ें आप डेफिनेटली ख़रीद सकते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें डेफिनेटली अच्छी लगेंगी। एक दो शॉप्स आपको ऐसी मिलेंगी जहाँ पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल बैग्स, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप बैग्स का कलेक्शन इस शॉप में देख सकते हैं। आपको बहुत ही ब्यूटीफुल बैग्स के कलेक्शन दिखेंगे जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, अदरवाइज इतना अच्छा मैंने लद्दाख में और कहीं इतना अच्छा बैग का कलेक्शन नहीं देखा। एंड दैट इज़ ऑल अराउंड 1000 रुपीज़, तो मुझे लगा ठीक ठीक रेट है और आप बार्गेन नहीं कर सकते, बिकॉज दैट वॉज अ फिक्स प्राइस शॉप। बाकी आपको मेन्स क्लोदिंग में सब कुछ मिल जाएंगी, आप वो सारी चीज़ें भी वहाँ से खरीद सकते हैं। सो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी थिंग इज़ देयर। तो मार्केट तो एक ऐसी चीज़ है ले में जो डेफिनेटली विजिट करना चाहिए, अगर आप 2-3 बार भी जाना चाहो तो आप जा सकते हो, बिकॉज ऐसा लगता है कि एक बार जाने से कुछ नहीं होगा। एंड सो द सरप्राइज इज़ कि एक रेस्टोरेंट में हमने फाइनली लाइव म्यूजिक देखा, स्वेश राय और ऋत्विक धनंजय का, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। एंड जैसा कहा वैसा, अगर वीडियो पसंद आई सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड लेट्स एन्जॉय द म्यूजिक।
Thank you.